नमस्कार। हैप्पी जर्नी के इस सेगमेंट में आइए जानकारी लेते हैं केसरी के वर्ल्ड टूर के कोचेस यानी लग्जरी बसेस की। फ्रेंड्स, सुंदर सी हवाई यात्रा के बाद जब हम अपने डेस्टिनेशन पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट पर हमें लेने लग्जरी कोचेस हाजिर होते हैं। फॉरेन टूर में साइट सीइंग तथा लोकल जर्नी के लिए केसरी एयर कंडीशन या एयर कूल लग्जरी हाईटेक कोच का उपयोग करती है। एयरपोर्ट से बाहर आकर अपने कोच में प्रवेश करने से पहले टूर लीडर से आपके सीट नंबर की जानकारी लीजिए। केसरी की प्रथा के अनुसार यह सीट नंबर्स आपकी बुकिंग डेट के क्रम में ही दिए जाते हैं, मगर इसमें चिंता की कोई बात नहीं क्योंकि हमारे कोचेस हाईटेक होने की वजह से सारी सीट्स आरामदायक होती है। नंबर 1 और 2 यह सीट नंबर्स टूर लीडर्स तथा गाइड के लिए रिजर्व होते हैं। कई वर्ल्ड टूर की कोचेस में नंबर 3 और 4 यह सीट नंबर्स प्रीमियम सीट्स के तौर पर रिजर्व होते हैं। बुकिंग के समय इन सीट्स की इंक्वायरी करके आप यह सीट्स एडिशनल चार्ज भर के बुक कर सकते हैं। कई कोचेस में टॉयलेट की फैसिलिटी होती है, मगर इमरजेंसी में ही उसका प्रयोग कीजिए। कई कोचेस में कैप्टन आपको इस सुविधा का उपयोग करने से रोक सकता है। बस की यात्रा में फ्रेश होने के लिए बस हर 2 या 3 घंटों के बाद रुकाई जाती है, इसलिए बस के टॉयलेट का उपयोग ना करना ही ठीक होगा। फ्रेंड्स, बस के किसी भी चीज़ का नुकसान आपको फॉरेन करेंसी में चुकाना होता है, फिर चाहे वो आपसे अनजाने में ही क्यों ना हुआ हो, इसलिए इन चीज़ों का उपयोग सावधानी से कीजिए। साइट सीइंग के लिए या खाने के लिए बस से बाहर आते समय अपना पासपोर्ट, मोबाइल, कैमरा आदि कीमती चीज़ें साथ लेना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, कई टूर्स में हम डेस्टिनेशन पहुंचने पर एयरपोर्ट से ही साइट सीइंग पर चले जाते हैं क्योंकि हमारे लिए साइट सीइंग ज़्यादा मायने रखता है। विदेश में बस ड्राइवर्स के ड्यूटी आवर्स निश्चित किए होते हैं तथा उन्हें निश्चित समय बाद आराम देना ज़रूरी होता है, इसलिए उपलब्ध समय में टूर के सभी स्थान कवर करने के लिए कई बार साइट सीइंग पे तुरंत जाना ज़रूरी होता है। इंटरनेशनल होटल्स का चेक इन टाइम 2:00 या 4:00 का होता है। फ्लाइट अगर सुबह जल्दी पहुंचती है तो फिर साइट सीइंग करके होटल पर जाना हमारे फायदे का होता है। कोच की जानकारी लेने के बाद अब हम चलते हैं अपने होटल की तरफ। केसरी के टूर्स में क्लासिक, इकोनॉमी जैसी अलग अलग श्रेणियाँ हैं। इसके अनुसार टूर का अवधि और टूर कॉस्ट अलग होती है। टूर के होटल्स भी टूर की श्रेणी के अनुसार अलग अलग श्रेणी के चुने जाते हैं, लेकिन हर एक जगह यात्रियों को किमान सुख सुविधाएं मिले और उनका निवास काफ़ी आरामदायक हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। किसी भी होटल का रूप देश के, प्रदेश के, मौसम के तथा सिटीस्केप के अनुसार निश्चित होता है। जैसे साउथ ईस्ट एशिया के हांगकांग, मलेशिया, पटाया आदि देशों तथा शहरों के होटल में और यूरोप के एम्स्टरडैम, लंदन, ब्रसेल्स आदि शहरों के होटल्स में काफ़ी फर्क होता है। अगर आपने इससे पहले विदेश यात्रा की हो तो आपको यह फ़र्क निश्चित रूप से महसूस होगा। अपने हर टूर के लिए उस जगह में जो अच्छा और आरामदायक होटल हो वही हम पसंद करते हैं। एयरपोर्ट से हम जब हमारे नियोजित होटल पर पहुंचते हैं तब ग्रुप लीडर की सूचना के अनुसार आप बस से सामान उतारिए। इसके बाद ग्रुप लीडर आपके रूम की चाबी या कार्ड, जो भी होटल के सिस्टम हो, आपके हवाले कर देगा। विदेश में होटल के रूम्स का अलॉटमेंट होटल की मैनेजमेंट करती है, इस बात का ज़रा ध्यान रखिए। इसमें फेर बदल करना ग्रुप लीडर के बस में नहीं होता। कई सेक्टर्स में होटल में अगर उनके लिए संभव हो तो बेल बॉयज द्वारा आपकी बड़ी बैग्स आपके रूम पर भेजी जाती है, लेकिन उसके लिए आपका रूम नंबर टैग आपकी बैग्स को लगाने में ग्रुप लीडर की मदद कीजिए। इसी तरह ग्रुप लीडर द्वारा दी गई आगे के प्रोग्राम की संबंधित सूचनाओं का पालन करना सबके लिए अच्छा होता है। फ्रेंड्स, विदेशों में बहुत सारे होटल्स में आपके रूम में मिनी बार, टीवी, बाथटब, शॉवर या एसी जैसी सुविधाएं होती है। इनमें से कुछ सुविधाएं पे इन होती है, यानी आप अगर उनका फ़ायदा उठाते हो तो उनके चार्जेस आपको भरने पड़ते हैं। मिनी बार में रखे पानी, कोल्ड ड्रिंक या फल का आप उपभोग लेते हैं तथा टीवी का पे चैनल देखते हैं तो उसके चार्जेस आपको चेकआउट करते समय चुकाने होते हैं। रूम से किए गए फ़ोन कॉल्स भी चार्जेबल होते हैं। कुछ होटल्स में चाय कॉफ़ी के सैशे या टी मेकर रूम में होते हैं। यह सुविधा सामान्यतः फ्री होती है।
आप इसका इस्तेमाल मुफ्त में कर सकते हैं। बहुत सारे विदेशों में नल का पानी सही में शुद्ध और पीने लायक होता है, लेकिन केनिया, मॉरिशस, थाईलैंड जैसे अपवादात्मक देशों में आपको पहले से ही सावधान किया जाता है। वहाँ मिनरल वाटर खरीद कर पीना ही बेहतर होता है। फ्रेंड्स, कृपया होटल में आपके कमरे की या होटल के परिसर की चीज़ें, सामान तथा सुविधाओं का उपयोग बड़ी सावधानी से कीजिए। इसमें से कुछ भी अगर टूटता फूटता या बिगड़ता है तो आपको दंड हो सकता है। चॉइस आपकी है, सावधानी ले या दंड भरे। हाँ, एक और आवश्यक सूचना, बाथरूम में बाथ टब का तथा शॉवर का उपयोग करते समय शॉवर कर्टन का सही उपयोग कीजिए। रूम का कारपेट अगर गीला हो जाता है तो वहाँ के नियमों के अनुसार उसके सूखने तक आपको उस रूम का चार्ज देना होता है, और इस नुकसान का भुगतान किए बिना होटल व्यवस्थापन आपको चेकआउट करने की अनुमति नहीं देता। आपके कपड़े बाथरूम में धोकर कमरे में सुखाने के बजाय होटल के लॉन्ड्री फैसिलिटी का उपयोग कीजिए। लॉन्ड्री में कपड़े देने से पहले चार्जेस की जानकारी अवश्य लीजिए। आपका पासपोर्ट, कैमरा, पैसे, गहने या अन्य कीमती चीज़ें रूम में खुली जगह छोड़ना तो दूर, मगर उन्हें अपने लॉक वाले बैग में भी ना रखिए। इन कीमती चीज़ों के लिए सेफ्टी लॉकर का इस्तेमाल कीजिए। आपके रूम में या रिसेप्शन में सेफ्टी लॉकर्स होते हैं। इन लॉकर्स को नंबर लॉक रहता है। कृपया अपने सेफ्टी लॉकर का कोड नंबर बिल्कुल ना भूलिए, वरना आपको कोड रीसेटिंग या डुप्लीकेट चाबी बनाने के लिए 50 से लेकर $300 तक का दंड भुगतना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अब थोड़ी जानकारी होटल्स के इंटीरियर की लेते हैं। किसी भी होटल में सारे कमरे अंदर से या बाहर से एक सरीखे नहीं होते। हर कमरे की रचना तथा सजावट में थोड़ा बहुत फर्क तो होता ही है। हमारी टूर में कमरे ट्विन शेयरिंग बेसिस पर, यानी एक रूम में दो पर्यटक, इस तत्व पर दिए जाते हैं। अगर आप अपने कमरे में तीसरी एडल्ट व्यक्ति को एडजस्ट करना चाहते हो तो उस तीसरी व्यक्ति के लिए एक्स्ट्रा मैट्रेस, ब्लैंकेट तथा पिलो सप्लाई की जाती है, मगर कोई भी होटल उसके लिए एक्स्ट्रा बेड या कॉट सप्लाई नहीं करता। ऐसी ट्रिपल शेयरिंग वाले कमरे साइज में ट्विन शेयरिंग कमरे जैसे ही होते हैं। अगर आप टूर पर अकेले आए हैं और आपने सिंगल पर्सन का पर्याय चुना है तो आपको दिया जाने वाला कमरा साइज में छोटा होता है। फ्रेंड्स, होटल्स में जिम तथा स्विमिंग पूल की सुविधाएं होती है। अपने टूर के टाइम टेबल का ठीक पालन करके आपके पास जो समय बचता है उसमें आप इन सुविधाओं का लाभ अवश्य ले सकते हो। विदेश के किसी भी स्विमिंग पूल में स्विमिंग कॉस्ट्यूम ज़रूरी होता है, इसलिए उसे साथ लाना ज़रूरी है। कृपया पंजाबी ड्रेस या अन्य कपड़ों में पानी में ना उतरिए, वह नियमों के खिलाफ है और ऐसा करने से विदेश में हमारे देश का नाम खराब होता है। फ्रेंड्स, वर्ल्ड टूर के लिए कोई खास ड्रेस कोड नहीं है, इसलिए जो आपको शोभा दे तथा आरामदायक लगे ऐसे डिसेंट कैजुअल वेयर्स आप पहन सकते हैं। हाँ, लेकिन कैसीनो जैसे स्थानों पर वहाँ के नियमों के अनुसार फॉर्मल वेयर के बिना प्रवेश दिया नहीं जाता। फ्रेंड्स, होटल में टहलते समय डाइनिंग हॉल या रेस्टोरेंट में तथा ग्रुप के गेट टुगेदर में कृपया नाइट गाउन, नाइट ड्रेस तथा लुंगी बनियान जैसे घरेलू कपड़े ना पहनिए। अगर आप बीच टॉवल या होटल की कोई भी चीज़ बाहर ले आते हैं तो वह बिना भूले लौटाए, वरना आपको पैसे भरने होंगे। फ्रेंड्स, सुबह का वेकअप कॉल, ब्रेकफास्ट का समय, ब्रेकफास्ट की जगह, होटल से बाहर निकलने का समय आदि के लिए ग्रुप लीडर ने दी हुई सूचनाओं का ध्यान रखें। होटल की जानकारी के बाद चलो अब हम टूर के भोजन के व्यवस्था की जानकारी लेते हैं। आपके टूर प्रोग्राम में प्रत्येक दिन के ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर को लेकर केसरी की तरफ से क्या व्यवस्था होगी, इसकी पूर्व सूचना दी जाती है। सुबह होटल से बाहर जाने से पहले हम ज़्यादातर अमेरिकन ब्रेकफास्ट लेते हैं। इसमें फ्लेक्स, टोस्ट, एग्स, फ्रूट जूस, चाय, कॉफ़ी आदि शामिल रहते हैं। टूर में कई बार साइट सीइंग पर समय बचाने के लिए हम पैक लंच का प्रबंध करते हैं, कभी नज़दीक के किसी रेस्टोरेंट में भोजन करते हैं। फ्रेंड्स, जहां बूफे हो वहां शांति से आपको ज़रूरी हो उतना ही प्लेट में लीजिए। खाना गिरने से कारपेट या फ्लोर खराब ना हो तथा खाने का अपव्यय ना हो, इसका ख्याल रखिए। डाइनिंग हॉल में या रेस्टोरेंट में ऊंची आवाज़ में बात करने से दूसरे कस्टमर्स को डिस्टर्ब होता है।
केसरी टूर्स में हर उस जगह की खासियत हो ऐसे यानी पिज्ज़ा आदि पदार्थ खाने में जोड़े जाते हैं। इसी तरह साइट सीइंग के दौरान कई जगह आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक जैसे एडॉन्स भी सर्व किए जाते हैं। फ्रेंड्स, कोच में, होटल में, रेस्टोरेंट में या कहीं भी, यानी इन शॉर्ट विदेश की पूरी टूर में हम अपने देश के, भारत के प्रतिनिधि होते हैं। बाहर वाले हमें उसी अंदाज से देखते हैं, इसलिए हमें अपने देश की प्रतिमा को कलंकित नहीं करना है, इस बात का हमेशा ख्याल रखिए। अर्थात हमारा अनुभव यही है कि केसरी के पर्यटक यह सावधानी जरूर बरतते हैं। धन्यवाद। हैप्पी जर्नी। केसरी टूर्स, एक अविस्मरणीय अनुभव।